आरे कॉलोनी के जंगल में आदिवासी किसान की जमीन पर फिल्म सिटी का पुलिस की मौजूदगी में जबरन कब्जे का प्रयास, विरोध करने वाले आदिवासियों को पुलिस ने लिया हिरासत। कामदार हिंदुस्तानी रिपोर्टर में आपका स्वागत है। मुंबई को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन देने वाला आरे का जंगल, मुंबई का फेफड़ा कहलाने वाला ये आरे का जंगल फिर एक बार चर्चा में आ रहा है। चर्चा में आने की वजह, 1 दिसंबर को आरे से लग करके और संजय गांधी नेशनल पार्क से लग करके जो फिल्म सिटी है, इसकी जो बाउंड्रीज मिलती है, फिल्म सिटी के एडमिनिस्ट्रेशन ने, यहाँ के प्रबंधन ने आरे में एक आदिवासी किसान है किशन भगत, जिनके पुरखों से यहाँ पर खेती वो कर रहे हैं। किशन भगत के पिता ने, आरे एडमिनिस्ट्रेशन ने, जब यहाँ पर रेवेन्यू देने वाले यानी महसूल देने वाले जो छोटे छोटे विलेजेस बनाए थे और उन पर जो कर प्रणाली लागू की थी उसके तहत वो टैक्स भी पे करते थे, कर की अदायगी करते थे। अब इसी जमीन पर जिस पर किशन भगत के पुरखे और किशन भगत का परिवार कई वर्षों से खेती कर रहा है, पिछले कुछ 2-3 वर्षों से किशन भगत की पत्नी कैंसर पीड़ित होने की वजह से वो ठीक से यहां पर किसानी नहीं कर पा रहे, खेती नहीं कर पा रहे। अब फिल्म सिटी एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उनकी जमीन लेकर वहां पर फिल्म सेट का निर्माण करने की योजना बनाई गई है और जिसके तहत उनकी जमीन वक्त बे वक्त फिल्म सिटी एडमिनिस्ट्रेशन कब्जाने की कोशिश करता है। किशन भगत और उनके परिवार द्वारा पुलिस में इस संबंध में कई बार शिकायत दर्ज कराने की कोशिश की गई, लेकिन पुलिस उनकी सुनवाई नहीं कर रही। पहले भी फिल्म सिटी के इन प्रयासों को आदिवासियों द्वारा विरोध किया गया। 1 दिसंबर को फिर यह प्रयास किया गया जिसके चलते कई आदिवासी किशन भगत के समर्थन में आए, उन्होंने इसका विरोध किया तो पुलिस ने इनमें से कईयों को हिरासत में लिया और कईयों को वनराई पुलिस स्टेशन भी पहुंचा दिया। कुल मिलाकर के आरे में जो आदिवासी हैं उनका दमन किस तरह से पुलिस की मदद से बड़े लोगों द्वारा किया जा रहा है उसका ये एक उदाहरण फिल्म सिटी एडमिनिस्ट्रेशन जिस तरह से कब्जा कर रही है उसके जरिए सामने आया। व्हिडिओ काढू नका, हे करू नका, ते नका करू, आमचे लोकांना समजणार कसा? तुमच्या घरात येऊन आम्ही तिथे काही केला तर तुम्ही गप्प बसणार? बोला, आहे उतर तुमच्याकडे, बोला ना, जास्त खवळवू नका आम्हाला, समजलं ना? आणि दम देत जाऊ नका, आम्ही गुन्हा कोणाची चोरी खून केलेला नाही आहे, आमची जमीन दम कोणाला दिलेला नाही, फक्त थोडा वेळ सांगा। वनक्के कायदा म्हणतात ना, कलेक्टर ने निकाले गेले ते वनक्के ते पत्र पण आम्हाला आले पाहिजे ना, येऊ दे बोलायला
Thank you.